अथ शततमं सूक्तम्। ऋषिः वृषागिरो महाराजस्य पुत्रभूता वार्षागिरा रिद्र आश्वाम्बरीश सहदेव भयमानसुराधशः देवता इन्द्रः छन्दः पंक्ति स्वराट्पंक्तिः विराट्त्रिष्टुप् भुरिक्पंक्तिः नेत्रत्रिष्टुप् स्वरः पंचमः धैवतः। मंत्र एक। सयो वृषा वृषण्येभिः समूका महो दिव पृथिव्याश्च सम्राट् सतीन सत्त्वा हव्यो वरेषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रौति। पदार्थ। हे मनुष्यो, तुम जो वर्षा का हेतु जिसमें समीचीन निवास के स्थान है, जो जल को इकट्ठा करता और ग्रहण करने योग्य, जिसके प्रशंसित पवन है, जो अत्यंत प्रकाश तथा भूमि लोक और समस्त मूर्तिमान लोकों व पदार्थों के बीच अच्छा प्रकाशमान सूर्य लोक है, वह जैसे उत्तमता में प्रकट होने वाली किरणों से पालन और पुष्टि कराने वाले पदार्थों में हमारे रक्षा आदि व्यवहारों के लिए होता है, वैसे उत्तम यत्न करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक उत्तमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो परिणाम से बड़ा वायु रूप कारण है, उससे प्रकट और प्रकाश स्वरूप सूर्य लोक है, उससे विद्या पूर्वक अनेक उपकार लेवें। मंत्र दो। यस्यानाप्त सूर्यस्यवयामो भरे भरे वृत्रः सुस्मोऽस्ति वृषन्तमस्य गिभिश्चेभिरेवै मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रौति। पदार्थ। जिस परमेश्वर व विद्वान सभाध्यक्ष के धारण करने योग्य पदार्थ व युद्ध में प्रत्यक्ष सूर्यलोक के समान पापियों के यथायोग्य पाप फल को देने से धर्म को छिपाने वालों का विनाश करता और जिसमें प्रशंसित बल है, वह मर्यादा का होना मूर्ख और शत्रुओं ने नहीं पाया है, वह अत्यंत सुख बढ़ाने वाला तथा प्रशंसित सेना जनयुक्त व जिसकी सृष्टि में प्रशंसित पवन है, वह परमेश्वर्यवान परमेश्वर व सभाध्यक्ष सज्जन अपने सेवकों के पाए हुए प्रशंसित ज्ञानों और धर्म के अनुकूल आज्ञा पालने हारे मित्रों से उपासना और प्रशंसा को प्राप्त हुआ, हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहारों की सिद्ध करने के लिए हो। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि यदि सूर्यलोक तथा आप्त विद्वान के गुण और स्वभावों का पार दुख से जानने योग्य है, तो परमेश्वर का तो क्या ही कहना है। इन दोनों के आश्रय के बिना किसी की पूर्ण रक्षा नहीं होती, इससे इनके साथ सदा मित्रता रखें। मंत्र तीन। दिवो नयस्य रेतसो दुहाना पन्थासो यन्ति सवसा परिता तरद्वेषा सा सहि पुंसेभिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रौति। पदार्थ। जिस ईश्वर व सभाध्यक्ष व उपदेश करने वाले विद्वान के सूर्यलोक के समान पराक्रम की प्रबलता से न छोड़े हुए व्यवहारों के पूर्ण करने वाला, जिनमें विरोधों के पार हों वे मार्ग प्राप्त होते और जाते हैं, वह जो बलों के साथ वर्तमान अत्यंत सहन करने वाला, जिसकी सृष्टि में प्रशंसित प्रजा है, वह परमेश्वर्यवान परमेश्वर व सभाध्यक्ष हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहार के लिए हो। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त मार्ग अच्छे देखने और गमन करने योग्य व डाकू चोर आदि कांटों से यथायोग्य प्रतीत होते हैं, वैसे वेद द्वारा परमेश्वर व विद्वान के मार्ग अच्छे प्रकाशित होते हैं। निश्चय है कि उनमें चले बिना कोई मनुष्य बैर आदि दोषों से अलग नहीं हो सकता, इससे सबको चाहिए कि इन मार्गों से नित्य चलें। मंत्र चार। सो अंगिरो विरंगिरस्तमो बोद्धिशा वृषभिस्सखिभिः सखासन् ऋग्मिभिर्ऋग्मिवातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रौति। पदार्थ। जो अंगों में रस रूप हुए प्राणों के साथ अत्यंत प्राण के समान व
सुख की वर्षा के कारणों से सुख सींचने वाला वा मित्रों के साथ मित्र वा ऋग्वेद के पढ़े हुओं के साथ ऋग्वेदी वा विद्या से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई वाणियों से प्रशंसा करने योग्य हुआ है वह अपनी सृष्टि में प्रजा को उत्पन्न करने वाला वा अपनी सेना में प्रशंसित वीर पुरुष रखने वाला ईश्वर और सभापति हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहार के लिए हो। भावार्थ। हे मनुष्यों जो यथावत उपकार करने वाला सबसे अति उत्तम परमेश्वर व सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान है उसको नित्य सेवन करो। मंत्र 5। ससूनुभिर्न रुद्रेभिर्ग्वान्निशाये सा संवामित्रान् सनीडेभिस्रवस्यानि तूर्वान् मरुत्वान्नो भवत्तिन्द्र उदे। पदार्थ। जिसकी सेना में प्रशंसित वीर पुरुष हैं वह जो शत्रुओं का तिरस्कार करता है वह परम ऐश्वर्यवान सभापति पुत्र व पुत्रों के तुल्य सेवकों के समान अपने समीप रहने वाले जो कि शत्रुओं को रुलाते हैं उनके और बड़े बुद्धिमान मंत्री के साथ वर्तमान धन आदि पदार्थों में उत्तम वीर जनों को इकट्ठा कर जो कि शूरवीरों के सहने योग्य हैं उस संग्राम में शत्रुजनों को मारता हुआ उत्तम यत्न करता है वह हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहार के लिए हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सेना आदि का अधिपति पुत्र के तुल्य सत्कार किए और शस्त्र अस्त्रों से सिद्ध होने वाली युद्ध विद्या से शिक्षा दिए हुए सेवकों के साथ वर्तमान बलवान सेना को अच्छे प्रकार प्रकट कर अति कठिन भी संग्राम में दुष्ट शत्रुओं को हरा देता और धार्मिक मनुष्यों की पालना करता हुआ चक्रवर्ती राज्य कर सकता है वही सब सेना तथा प्रजा के जनों को सदा सत्कार करने योग्य है। मंत्र 6। समन्वय में समदनस्य कर्ता स्वाके बिर्निवे सूर्यं सनात् अस्मिन् नरत्सतपति पुरुतो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र उदे। पदार्थ। जो क्रोध का मारने वा जिसमें आनंद है उसका करने और सज्जन तथा उत्तम कामों को पालने हारा वा बहुत विद्वान और शूरवीरों ने जिसकी स्तुति और प्रशंसा की है जिसकी सेना में अच्छे अच्छे वीरजन हैं वह परमेश्वरीवान सेनापति हमारे शरीर आत्मा और बल के तुल्य बलों से युक्त वीर मनुष्यों के साथ वर्तमान होता हुआ सूर्य के प्रकाश तुल युद्ध न्याय को अच्छे प्रकार सेवन करे वह आज के दिन हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहार के लिए निरंतर हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य को प्राप्त होकर सब पदार्थ अलग अलग प्रकाशित हुए आनंद के करने वाले होते हैं वैसे ही धार्मिक न्यायाधीशों को प्राप्त होकर पुत्र पौत्र स्त्रीजन तथा सेवकों के साथ वर्तमान विद्या धर्म और न्याय में प्रसिद्ध आचरण वाले होकर मनुष्य अपने और दूसरों के कल्याण करने वाले होते हैं जो सब कभी क्रोध को अपने वश में करने और सब प्रकार से नित्य प्रसन्नता आनंद करने वाला होता है वही सेनाधीश होने में नियत करने योग्य होता है जो बीते हुए व्यवहार से बचे हुए को जाने चलते हुए व्यवहार में शीघ्र कर्तव्य काम के विचार से तत्पर है वही सर्वदा विजय को प्राप्त होता है दूसरा नहीं। मंत्र 7। सविश्वस्य करुणस्य एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र उदे। पदार्थ। जिसको रक्षा आदि व्यवहार सेवन करें उस सेना आदि के अधिपति को जिसमें शूरवीरों का सेवन होता है उस संग्राम में मनुष्य अपनी रक्षा करने वाला करे जो अत्यंत कुशलता का करने वाला है उसको अपनी पालना करने हरा किए हुए उक्त संग्राम में रटें अर्थात बार बार उसी की विनति करें जो अकेला सभाध्यक्ष समस्त करुणारूपी काम को करने में समर्थ है वह अपनी सेना में प्रशंसित वीरों का रखने वा
सेना आदि की रक्षा करने हारा हम लोगों की रक्षा आदि व्यवहार के लिए हो। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि जो अकेला भी अनेक योद्धाओं को जीतता है उसका उत्साह संग्राम और व्यवहारों में अच्छे प्रकार बढ़ावे। अच्छे उत्साह से वीरों में जैसी शूरता होती है वैसे निश्चय है कि आप और प्रकार से नहीं होती। मंत्र 8। तमप्संत सवस उत्सवेषु नरो नरमवसेतं धनाय सुवन्दे चित्तमसि ज्योतिर्विदन् मरुत्वान्नो भवत्येन्द्र उदे। पदार्थ, हे मनुष्यो, सब काम को यथायोग चलाने हारे जिस मनुष्य को विद्या बल तथा धन आदि अनेक बल प्राप्त हों उस अत्यंत प्रबल युद्ध करने से भी युद्ध करने वाले सेना आदि के अधिपति को उत्सव और आनंद के कामों में सत्कार देओ। उसको श्रेष्ठ अधिकार पाने वाले मनुष्य रक्षा आदि व्यवहार और उत्तम धन पाने के लिए प्राप्त होवें। जो अंधे के तुल्य करने हारे अंधेरे में सूर्य आदि के उजैले रूप प्रकाश ही को प्राप्त होता है वह अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने हारा परम ऐश्वर्यवान सेनापति व सभापति हम लोगों के अच्छे आनंदों के लिए हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यो, जो शत्रुओं को जीत और धार्मिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है जिसको पाकर जैसे सूर्यलोक का प्रकाश है वैसे विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं उस मनुष्य को आनंद मंगल के दिनों में आदर सत्कार देवें क्योंकि ऐसे किए बिना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नहीं हो सकता। मंत्र 9। सव्येन यमति प्रादतश्चित् स दक्षिणे संगृहीता कृतानि सकीर्णाचित् सनिदातनानि मरुत्वान्नो भवत्येन्द्र उदे। पदार्थ, जो सेना की दाहिनी ओर खड़ी हुई अपनी सेना से अत्यंत बल बढ़े हुए शत्रुओं को भी ढंग से चलाता है वह उन शत्रुओं का जितने हारा होता है। जो अपनी दाहिनी ओर में खड़ी हुई उस सेना से ग्रहण किए हुए सेना के अंगों तथा किए हुए कामों को यथोचित नियम में लाता है वह अपनी सेना की रक्षा कर सकता है। जो शत्रुओं के गिराने के प्रबंध से भी उनके अच्छी प्रकार इकट्ठे किए हुए धनों को ले लेता है वह अपनी सेना में उत्तम उत्तम वीरों को रखने हारा परमेश्वर्यवान सेनापति हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहारों के लिए हो। भावार्थ, जो सेना की रचना और सेना के अंगों की शिक्षा व रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर सकता है वही शत्रुओं को जीत लेने से अपनी और प्रजा की रक्षा करने के योग्य है। मंत्र 10। सग्रामे विस्सरिता सरते विर्विदे विश्वाभिकृष्टि विन्वन्द्या सपोंसे विरभिपूरसस्तिर मरुत्वान्नो भवत्येन्द्र उदे। पदार्थ, जो अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने हारा परमेश्वर्यवान सेना आदि का अधीश ग्रामों में रहने वाले प्रजाजनों के साथ अच्छे प्रकार अलग अलग किए हुए धनों को भोगता है वह आनंदित होता है। जो युद्ध विद्या तथा विजयों को जिसमें जाने उस क्रिया के लिए सेना के विमान आदि अंगों और समस्त शिल्प कामों की अति कुशलताओं से प्रकाशमान हो वह और जो शत्रुओं की बढ़ाई करने योग्य क्रियाओं को जानकर उनका तिरस्कार करने वाला है वह उत्तम शरीर और आत्मा के बल के साथ वर्तमान शीघ्र आज हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहारों के लिए हुए। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो पूर्ण नगर और ग्रामों का अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला वह पूर्ण सेनांगों की सामग्री सहित जिसने कला कौशल तथा शस्त्र अस्त्रों से युद्ध क्रिया को जाना हो और परिपूर्ण विद्या तथा बल से पुष्ट शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्न होता है वही सेना आदि का अधिपति करने योग्य है अन्य नहीं। मंत्र 11। सजामि बिर्यत समजाति वीडये अजामि बिर्वा पुरोदये वही
अपान्तो कस्य तनयस्य जेषे मरुत्पान्नो भवत्तेन्द्रौति। पदार्थ, जो प्राप्त हुए मित्र शत्रु और उदासीनों व बालकों के व पौत्र आदि के बीच वर्ताव रखता हुआ जब संग्रामों में प्राप्त हुए शत्रुजनों सहित बंधु वर्गों से अन्य शत्रुओं के सहित अथवा उदासीन मनुष्यों के साथ विरोध भाव प्रकट करता हुआ बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त व युद्ध में बुलाया हुआ अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने वाला परमेश्वरीयवान सेना आदि का अधीश उक्त अपने बंधु बांधवों को उत्साह और उत्कर्ष देने व शत्रुओं के जीत लेने का अच्छा ढंग जानता है तब वह हम लोगों की रक्षा आदि के लिए समर्थ होता है। भावार्थ, इस राज्य व्यवहार में किसी गृहस्थ को छोड़ ब्रह्मचारी वनस्थ व यति की प्रवृत्ति होने योग्य नहीं है और न कोई अच्छे मित्र और बंधुजनों के बिना युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर सकता है। ऐसे धार्मिक विद्वानों के बिना कोई सेना आदि का अधिपति होने योग्य नहीं है, यह जानना चाहिए। मंत्र 12। पदार्थ, जो अपनी सेना से शत्रुओं की सेनाओं के मारने हारों के समान अति कराल शस्त्रों को बांधने डाकू चोर लंपट लवाड़ आदि दुष्टों को मारने उनको डर और अति कठिन दंड देने हजारों अच्छे प्रकार के ज्ञान प्रकट करने वाला जिसके सैकड़ों यथायोगी व्यवहारों के वर्ताव हैं जो सब विद्याओं से युक्त पढ़ने उपदेश करने राज्यलक्ष्मी सभा सेना और सब अधिकारियों के अधिष्ठाताओं में उत्तमता से हुआ है और अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने वाला है परमेश्वरीयवान सेना अधिकाधीश अतीव बलवान सेना से शत्रुओं को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वह हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहारों के लिए हुए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि कोई मनुष्य धनुर्वेद के विशेष ज्ञान और उसको यथायोग्य व्यवहारों में बरतने और शत्रुओं के मारने में भय के देने वाले व शीघ्र अगाध सामर्थ्य और प्रबल बढ़ी हुई सेना के बिना सेनापति नहीं हो सकता और ऐसे हुए बिना शत्रुओं का पराजय और प्रजा का पालना हो सके यह भी संभव नहीं ऐसा जाने। मंत्र 13। अस्य वज्रक्रन्दति स्मत्स्वर्षा दिवो नत्वेषु रवदस्यमीवान् तं सचन्ति शनयस्तं दनानि मरुत्पान्नो भवत्यन्द्रौति। पदार्थ, जिस सभा अध्यक्ष का काम के वर्ताव की अनुकूलता का सुख से सेवन और भारी कुलाहल शब्द करने वाला जिसमें प्रशंसित काम होते हैं वह शस्त्र और अस्त्रों का समूह अच्छे जनों को बुलाता और दुष्टों को रुलाता है उसके सूर्य के उजाले के समान गुण क्रम और स्वभाव प्रकाशित होते हैं जो ऐसा है उसको उत्तम सेवा अर्थात सज्जनों के किए हुए उत्साह सेवन करते और उसको समस्त धन सेवन करते हैं। इस प्रकार जो सभाध्यक्ष अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने वाला परमेश्वरीयवान तथा हम लोगों के रक्षादि व्यवहारों के लिए यत्न करता है वह हम लोगों का राजा होवे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सभासद भृत सेना के पुरुष और प्रजाजनों को चाहिए कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें कि जिनसे विद्या न्याय धर्म व पुरुषार्थ बढ़े हुए सूर्य के समान प्रकाशित हों क्योंकि ऐसे कामों के बिना उत्तम सुखों के सेवन धन और रक्षा हो नहीं सकती इससे ऐसे काम सभाध्यक्ष आदि को करने योग्य हैं। मंत्र 14। यस्याजस्रं सवसामानमुक्तं परिभुजद्रोदसी विश्वदस्यं सपारिषत्क्रतुभिर्मन्दसानो मरुत्वान्नो भवत्येन्द्रौति। पदार्थ, जिस सभा आदि के अधीश के शारीरिक तथा आत्मिक बल से युक्त प्रजाजन सत्कार वेद विद्या तथा धर्म न्याय की मर्यादा को सब ओर से निरंतर पालन
और जो विद्या के प्रकाश और पृथ्वी के राज्य को भी अच्छे प्रकार पालन करें, जो उत्तम बुद्धिमानों के कामों के साथ प्रशंसा आदि से परिपूर्ण हुआ सुखों से प्रजाओं को पालता है, वह अपनी सेना में उत्तम वीरों का रखने वाला परमेश्वर्यवान सभापति हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहार को सिद्ध करने वाला निरंतर होवे। भावार्थ, जो मनुष्यों का मान दुष्टों का तिरस्कार पूरी विद्या धर्म की मर्यादा पुरुषार्थ और आनंद कर सके वही सभाध्यक्ष आदि अधिकार के योग्य हो। मंत्र 15। नयस्य देवा देवता नमर्ता आपश्यन सवसुवन्तमापुः सप्ररिक्वा त्वक्षसाक्ष्मो दिवस्य मरुत्वान्नो भवत्तेन्द्र उदे। पदार्थ, जिस परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर के बल की अवधि को दिव्य उत्तम जनों में विद्वान लोग नहीं, साधारण मनुष्य नहीं तथा अंतरिक्ष व प्राण भी नहीं पाते, जो अपने बल रूप सामर्थ्य से पृथ्वी सूर्य लोक तथा और लोगों को रच के व्याप्त हो रहा है, वह अपनी प्रजा को प्रशंसित करने वाला परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर हम लोगों के रक्षा आदि व्यवहार के लिए निरंतर उद्यत होवे। भावार्थ, क्या अनंत गुण क्रम स्वभाव वाले उस परमेश्वर का पार कोई ले सकता है कि जो अपने सामर्थ्य से ही प्रकृति रूप अति सूक्ष्म सनातन कारण से सब पदार्थों को स्थूल रूप उत्पन्न कर उनकी पालना और प्रलय के समय सबका विनाश करता है, वह सबके उपासना करने के योग्य क्यों न हो। मंत्र 16। रोहिच्या वासुमदं सुरललामे दुक्षाराय रिद्रास्वस्य विषन्वन्तं बिभ्रते दूर्षुरदं मन्द्राचिकेतना उशीषु भिक्षु। पदार्थ, जो सीधी चाल से चले हुए जिनके घोड़े वेग वाले उस सभा आदि के अधीश का संबंध करने वाले शिल्पियों को जिसका उत्तम जलाना प्रशंसित, जिसमें सौंदर्य और जिसका प्रकाश ही निवास है, वह नीचे से लाल ऊपर से काली अग्नि की ज्वाला लोहे की अच्छी अच्छी बनी हुई कलाओं में प्रयुक्त की गई वेग वाले विमान आदि यान समूह को धारण करती हुई आनंद को देने हारी मनुष्यों के इन संतानों के निमित्त धन की प्राप्ति के लिए वर्तमान है, उसको जो अच्छे प्रकार जाने वही धनी होता है। भावार्थ, जब विमानों में चलाने आदि कार्यों में इन धनों से अच्छे प्रकार युक्त किया अग्नि जलता है, तब उसके दो ढंग के रूप देख पड़ते हैं, एक उजाला लिए हुए दूसरा काला, इसी से अग्नि को श्याम वर्णाश्व कहते हैं। जैसे घोड़े के सिर पर कान दिखते हैं वैसे अग्नि के सिर पर श्याम कज्जल की चुटैली होती है, वह अग्नि कामों में अच्छे प्रकार जोड़ा हुआ बहुत प्रकार के धन को प्राप्त कराकर प्रजाजनों को आनंदित करता है। मंत्र 17। पदार्थ, हे परम विद्या ऐश्वर्य से युक्त सभाध्यक्ष, जो उत्तम प्रशंसित विद्वान की वाणियों से प्रशंसित पुरुष इस प्रत्यक्ष आपके प्रशंसा करने योग्य वचन व काम को सब लोग आपके मुख पर कहते हैं, वह और अगला व अनुमान करने योग्य आपका धन शरीर और आत्मा की प्रसन्नता के लिए होता है तथा जो शब्द शास्त्र के जानने विद्वानों के साथ रहने अधर्माचरण से डरकर उससे अलग वर्ताव बरतने और दुष्टों को भय करने वाले जो कि उत्तम उत्तम धनों से युक्त जिनकी सीधी बड़ी बड़ी राजनीति है और प्रश्नों से पूछे हुए समाधानों को देते हैं, वे हम लोगों को सेवने योग्य कैसे न हों। भावार्थ, जब विद्वान उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं तब अज्ञानी जन विश्वास को पा उन उपदेशों को सुन अच्छी विद्याओं को धारण कर धनाढ्य होके आनंदित होते हैं। मंत्र 18।
दस्युञ्चिम्यूष पुरूतये वैरहत्वा पृथिव्यां सर्वाणि वर्रेत् स नक्षेत्रं सखिभिश्चित्येभिः सनत्सूर्यं सनदपस्सु वज्रः। पदार्थ, जिसका श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों का समूह और बहुतों ने सत्कार किया हो, यह समस्त दुखों का विनाश करने वाला सभा आदि का अधीश श्वेत अर्थात स्वच्छ तेजस्वी मित्रों के साथ और प्रशंसित ज्ञान व कर्मों के साथ डाकुओं को छह प्रकार मार शांत धार्मिक सज्जनों और भृत्य आदि को पाले, दुखों को दूर करे, जो अपने राज्य से युक्त भूमि में अपने निवास स्थान सूर्यलोक प्राण और जलों को सेवे, वह सबको सदा सेवने के योग्य हुए। भावार्थ, जो सज्जनों से सहित सभापति अधर्म युक्त व्यवहार को निवृत्त और धर्म व्यवहार का प्रचार करके विद्या की युक्ति से सिद्ध व्यवहार का सेवन कर प्रजा के दुखों को नष्ट करे, वह सभा आदि का अध्यक्ष सबको मानने योग्य हुए, अन्य नहीं। मंत्र 19। विश्वाइन्द्रो अधिभक्तानुहस्तु परिवृतासनु यामवाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिस्यन्दु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ, जो प्रशंसित विद्या और ऐश्वर्य युक्त विद्वान हम लोगों के लिए सब दिनों अधिक अधिक उपदेश करने वाला हो, उससे सब प्रकार कुलता को छोड़े हुए हम लोग जिस विशेष ज्ञान का दूसरे को देवें और आप सेवन करें, हमारे उस विज्ञान को मित्र श्रेष्ठ सज्जन अंतरिक्ष समुद्र नदी भूमि और सूर्य आदि प्रकाश युक्त लोगों का प्रकाश मान से बढ़ावें। भावार्थ, मनुष्य को उचित है कि जो नित्य विद्या का देने वाला है उसकी सीधेपन से सेवा करके विद्याओं को पाकर मित्र श्रेष्ठ आकाश नदियों भूमि और सूर्य आदि लोकों से उपकारों को ग्रहण करके सब मनुष्यों में सत्कार के साथ होना चाहिए। कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिए, किंतु सबको यह प्रकट करनी चाहिए। इस सूक्त में सभा आदि के अधिपति ईश्वर और पढ़ाने वालों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ एकता समझनी चाहिए। यह सोमवार सूक्त समाप्त हुआ। अथ एकोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आंगीरसः देवता इन्द्रः छन्दः नित्रिजगति विराट्जगति भुरिक्तृष्टुप् स्वराट्तृष्टुप् नित्रित्तृष्टुप् तृष्टुप् स्वरः निषादः दैवतः। मंत्र 1। प्रमन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णकर्माणि रहन् ऋजिस्वना अवश्य भूवृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। पदार्थ, तुम लोग जो उपदेश करने व पढ़ाने वाला ऐसे पाठ से की जिसमें उत्तम वाणियों की धारणा शक्ति की अनेक प्रकार से वृद्धि हो, उससे मूर्खपन को निरंतर हने, उस आनंदी पुरुष और आनंद देने वाले के लिए अच्छा बनाया हुआ अन्न अर्थात पूरी कचौरी लड्डू बालूशाही जलेबी इमरती आदि अच्छे अच्छे पदार्थों वाले भोजन और प्यारी वाणी को अच्छे प्रकार निवेदन कर उसका सत्कार करो, और अपने को रक्षा आदि व्यवहारों को चाहते हुए जिन्होंने रेखागणित आदि विद्याओं के मर्म सीखे हैं और खोले हैं, वे हम लोग मित्र के काम व मित्रपन के लिए विद्या की वृद्धि करने वाले, जिससे अविद्या का विनाश करने वाली व विद्यादि धन देने वाली दक्षिणा मिले, जिसके समीप प्रशंसित विद्या वाले ऋतुज अर्थात आप यज्ञ करें दूसरे को करावें ऐसे पढ़ाने वाले हों, उस अध्यापक अर्थात उत्तम पढ़ाने वाले को स्वीकार करते हैं, उसको तुम लोग भी अच्छे प्रकार सत्कार के साथ स्वीकार करो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जिससे विद्यालय में उसका सत्कार मन वचन कर्म और धन से सदा करें, और पढ़ाने वालों को चाहिए कि जो पढ़ाने योग्य हों उन्हें अच्छे यत्न के साथ उत्तम उत्तम